हेलो बच्चे हो, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जे हम लोग स्टोकियोमेट्री वाले पार्ट में इंटर कर चुके थे और प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टोकियोमेट्री वाले पार्ट में बैलेंसिंग वाला पार्ट कवर किए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग हम लोग मोल टू मोल वाले पार्ट में वर्क करना सीख चुके थे। ठीक है कि है ना, सपोज है ना कुछ मोल हमको दिया हुआ है ना, हाउ मच मोल है ना, कितना मोल फॉर्म होगा या कितना मोल दूसरा कोई रिएक्टेंट वो रिएक्ट करेगा, इन सारे डाटा में हम लोगों ने काम करना सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग है ना उसी वाले पार्ट को आगे प्रोसीड कराएंगे। दैट इज हम लोग मास टू मास काम करना सीखेंगे। ओके, मास टू मास काम करना सीखेंगे और मोल्स टू मास, देन मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, इन सारे डाटा में हम लोग आज काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्रीवियस लेक्चर अच्छे से किए होंगे। तो जो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द, क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अब देखो, जब हम लोग गेलुसेक लॉ पे क्वेश्चन किए थे अच्छे, उस समय मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन जब भी होता है तो CO2 और वाटर फॉर्म होता है। पता है आपको, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला क्या है CH4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला देखो, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CH4 का कंबसन दैट इज O2 क्या फॉर्म करेगा, CO2 और क्या फॉर्म करेगा, वाटर। कोई डाउट नहीं होता। हम क्या बोले, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है एंड पता क्या हमको, एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबसन फॉर्म CO2 along with water and after writing a reaction you have to balance them it means balance करो, carbon balance है, hydrogen कितना, 4, क्या करोगे, 2 लगा लो, balance हो जाएगा, 2 लगा लिए balance हो गया। जब हम hydrogen को balance किए तो मेरे पास oxygen balance करना है, oxygen भी balance हो चुका है, it means मेरे पास ये एक balance chemical equation है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, मतलब इसका हमको मास निकालना है इन ग्राम, इसका हमको मास निकालना इन ग्राम। ठीक है, और हमको जो मास दिया हुआ है वो मीथेन का दिया हुआ है 16 ग्राम, वो किसका मास दिया हुआ है, मीथेन का मास कितना दिया हुआ, 16 ग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन को हम मास से मास में भी करेंगे या जो गिवन मास है उसको मोल में कन्वर्ट करके तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस वे से सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे का ये डाउट होता है ना कि सब है ना हमको एक ही मेथड से करना है, दैट इज हमको हमेशा मोल में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल हमेशा मोल में काम करो है ना, मास में काम करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस वे से करना है या आपको किस वे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी लगता है। ठीक है, हम अभी दोनों से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मास से मास निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड जो आपको गिवन मास है उसको मोल में कन्वर्ट करके मोल से मोल में काम कर लेंगे। सारा प्रोसेस इजी है। ठीक है, देखो हम क्या बोले कि रिएक्शन दिया हुआ ना, अब देखो इसका कोफिशियंट 1 है और वाटर वाले का कोफिशियंट कितना है, 2। देखो तो कोफिशियंट की बात करें, देखो यहां पर कोफिशियंट कितना है, यहां कितना कोफिशियंट है 1, यहां कितना कोफिशियंट है 2, इट मींस फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल ऑफ वाटर गेट्स फॉर्म। प्रॉब्लम है तक, 1 मोल ऑफ CH4 फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, पता है, और पता है मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मोल इक्वल टू पता है हमको ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास, पता है। इट मींस जब इसका एक मोल है, CH4 का मोलर मास कितना है 16, कितना है 16, दैट इज फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन, दैट इज फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन
36 ग्राम ऑफ वाटर गेट्स फॉर्म। देखो इसका दो मोलर है तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास वाटर का 18, दो मोल कितना हो जाएगा 36, क्या लिखेंगे 16 ग्राम CH4 फॉर्म, 16 ग्राम CH4 फॉर्म 36 ग्राम वाटर बोल सकते हो, 16 ग्राम CH4 फॉर्म 36 ग्राम वाटर, देन 1 ग्राम कितना करेगा 36/16। अब जो गिवन है देखो, ये जो आपको 16 ग्राम है बच्चे, ये आपको गिवन डाटा है, ये आपको क्या गिवन डाटा, देन फ्रॉम 16 कितना करेगा 36/16 इनटू कितना 16, दैट इज 36 ग्राम, दैट इज 36 ग्राम, इट मींस फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन, दैट इज फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन 36 ग्राम ऑफ वाटर गेट्स फॉर्म। यदि आप क्वेश्चन को केयरफुली देख पा रहे होगे तो आप देखोगे कि इस वाले मेथड में हम लोग मास से मास में काम किए हैं, मास टू मास काम किए हैं, बट हम मास से मास के अलावा हम लोग मोल से का भी काम कर सकते हैं। देखो इट मीन्स मोल वाले से कैसे सॉल्व करोगे, मोल वाले से सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मास कितना है 16, तो हम निकाल सकते हैं मोल ऑफ CH4 जो आपको गिवन है, जो आपको गिवन है कितना होगा 16 ओवर कितना 16, दैट इज 1 मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। आपको पता है फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ वाटर गेट्स फॉर्म, फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4 क्या बोलेंगे 2 मोल ऑफ H2O गेट्स फॉर्म, 2 मोल ऑफ H2O गेट्स फॉर्म, देन जब 1 मोल से कितना मोल फॉर्म हो रहा है 2 मोल बच्चे, तो हमको एक ही मोल दिया हुआ ना, हमको जो CH4 है उसका क्या है एक ही मोल है ना, तो 1 मोल से वाटर का 2 मोल फॉर्म हुआ, हमको मास पूछा है तो मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास लिख सकते हैं, देन 2 इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18, दैट इज 18, तो देयरफॉर द मास इज इक्वल टू 36 ग्राम, मास कितना 36 ग्राम। तो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन को किस वे से आप प्रोसीड करवा रहे हो, ठीक है। तो यदि आप देखोगे ना आपके ना ICSE के जो भी ना सिलेबस में, उसमें मोस्टली आपका काम करता है मास वाले टर्म से, हम आपके बुक वाले क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, ठीक है, बट कीप इन माइंड आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। लॉजिक क्या था, हम चाहे मास में काम करें या चाहे मोल में काम करें, आंसर मेरा सेम ही है, सेम इसलिए है क्योंकि मेरा लॉजिक क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन लिखो, देखो स्टेप क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिख लिए, इसको बैलेंस भी कर लिए, इसको बैलेंस भी कर लिए, बैलेंस करने के बाद हम मास में काम किए, दैट इज 1 मोल ऑफ CH4 फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल दैट इज मोलर मास, 2 मोल दैट इज 2 इनटू मोलर मास, हमको मास निकल गया, जो स्टोइकोमेट्री ऑफ मोल था उसको स्टोइकोमेट्री ऑफ मास मिले गए, देन उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है। तो आप किसी भी वे से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करवा सकते हो, बट जो आप देखो आपकी बुक में जिस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो बोर्ड वाले में है ना, होता है कि बोर्ड में है ना कि इसी स्पेसिफिक मेथड से करना है, तो आप पे डिपेंड है क्योंकि आपको हर एक मेथड्स का आइडिया है, तो आप इस आप पे डिपेंड है कि आप किस वाला मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हो, ओके। इसको नोट करो जल्दी से, आपका आंसर आ ही गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 gram of CO2
22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। आफ्टर कंबसन देखो हमको अब है कि CO2 का मास दिया हुआ है, हमको क्या है CO2 का मास दिया हुआ है और मीथेन का मोल पूछ रहा है। CO2 का मास दिया हुआ है और मीथेन का मोल पूछ रहा है। देखो रिएक्शन फिर से वही बच्चे, 4 प्लस O2 क्या बनेगा CO2 और क्या बना वाटर, CO2 और वाटर। बैलेंस कहते थे यहां पे 2 आया था और यहां पे 2 आया था, यही था ना। तो हम क्या बोले देखो इसके जो मेरा स्टोक्योमेट्री है, जो मेरा स्टोक्योमेट्री है इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट किया, इसका 1 मोल फॉर्म किया और इसका कितना मोल फॉर्म किया, 2 मोल। हां तो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ वन कोएफिशिएंट, 1 मोल ऑफ मीथेन react with 2 mole of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water and 2 mole of water। I hope यहाँ तक problem नहीं है, चलो यहाँ तक problem नहीं है। अब देखना जो mole था ये बच्चे क्या था mole, ये क्या था mole, ये क्या था mole। तो mole को हम कहाँ लेके जाएंगे, mass में, कोई problem नहीं है। देखो जब इसका 1 mole है तो इसका mass, mass equal to क्या लिखोगे 1 × 16 mole into molar mass। यहां क्या लिखोगे 2 × ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ O2 दैट इज 32 लिख सकते हैं। ये 1 × मोलर मास कितना होता है 44। यहां बताओ 2 × कितना वाटर का मोलर मास कितना 18 दैट इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर एंड 36 ग्राम वाटर। इट मींस ये मेरा डाटा मोल में था और ये मेरा डाटा इसमें है मास में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि जो मोल का डाटा था उसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई किए एंड आफ्टर द आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम मोलर मास वी गेट डाटा इन मास, वी गेट डाटा इन मास। अब हमको मास में सॉल्व करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक कोई डाउट है बच्चे? क्योंकि जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो मोल का कोएफिशिएंट है, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई किए क्या बन गया मेरे पास मास का डाटा आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो 22 ग्राम CO2 से जो CO2 फॉर्म हुआ है उसमें मीथेन कितना रिक्वायर्ड हुआ होगा, उसमें मीथेन कितना रिक्वायर्ड हुआ होगा। तो आपको ये पता है कि इसके इसका जो 44 ग्राम है वो कब फॉर्म हुआ है, जब इसका 16 ग्राम है। CO2 का 44 ग्राम कब फॉर्म हुआ है, जब मीथेन का कितना है 16 ग्राम। करो 44 ग्राम CO2 फॉर्म्ड व्हेन 16 ग्राम CH4 इज प्रेजेंट, बोल सकते हो 44 ग्राम CO2 कब फॉर्म हुआ है जब मीथेन कितना है 16 ग्राम। तो 1 ग्राम CO2 कब होगा 16 और कितना 22 सॉरी गलत कर दी 44। अब कितना बोला है फ्रॉम 22 ग्राम, फ्रॉम 22 ग्राम CO2 22 ग्राम CO2 16 ओवर 44 इनटू कितना 22 2 टाइम्स कट गया कितना 8 That is 8 ग्राम आपका आया CH4 कितना आया 8 ग्राम CH4। बट हमें बोला क्या है, हमें बोला है मोल निकालो, हमें क्या बोला है मोल निकालो। तो मास वाले डाटा तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम लोग मास निकाल चुके, क्या निकाल चुके मास। अब हमको पता है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास कितना है 8 ग्राम, मास कितना है 8 ग्राम किसका मीथेन का एंड मीथेन हैविंग मोलर मास 16 ग्राम कितना 16 ग्राम देयरफॉर द मोल इज हाफ मोल, कितना मोल आया हाफ मोल। इट मींस 22 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म फ्रॉम हाफ मोल ऑफ मीथेन, फ्रॉम हाफ मोल ऑफ मीथेन। अदरवाइज जिससे काम करना है आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, से एक बार क्रॉस चेक करो कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास था, मास से मास में हम काम कर लिए,
देन डाटा हमको मोल में पूछा है, तो जो गिवन मास आया था उसको हम क्या किए, मोल में कन्वर्ट कर लिए, उसको हम क्या किए, मोल में कन्वर्ट कर लिए। ये दो क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म MnCl2 अलोंग विद क्लोरीन एंड वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जहां पे हम लोग Cl2 को मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में, कि है ना मैग्नीज डाइऑक्साइड का जब है ना हम लोग HCl गैस पास कराते हैं तो हमें Cl2 गैस मिलता है। तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि रिएक्शंस हमारे अभी सिलेबस नहीं है। तो हमें क्या बोला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इतना करना है आपको कि रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्या करना, रिएक्शन को बैलेंस करना है। यदि हम रिएक्शन को बैलेंस कर लिए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। करते बैलेंस देखते हैं, मैग्नीज बैलेंस है बच्चे, मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 2, उस साइड कितना है 1, अनबैलेंस्ड है, यहां पे 2 लगा लो तो वो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करना है, क्लोरीन कितना है 2, यहां कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई किए, जो ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप ये देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोजन है उस साइड 4 है बच्चे और यहां पे 1 है, तो आपको हर हाल में यहां पे 4 लाना पड़ेगा। जब आप यहां पे 4 लाओगे आपका क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस है, O2 ऑक्सीजन बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है बच्चे, मैग्नीज बैलेंस है, क्लोरीन कितना है 4, यहां पे कितना है 2 और कितना है 2, बैलेंस तो है। एक बार आप लोग बैलेंसिंग को चेक करना, बैलेंसिंग एक बार क्रॉस चेक करो, पूरा बैलेंसिंग सही है ना, बैलेंसिंग चेक कर लो। MnCl2 वाटर और Cl2 ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। अब देखना जब रिएक्शन बैलेंस है हमें क्या पूछा है बच्चे, हमें क्या पूछा है कि 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड से कितना HCl फॉर्म होगा। अब देखो हमको मतलब किससे है, हमको मतलब है MnO2 से मतलब है और हमें HCl से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो काम करना है वो MnO2 में करना है और HCl में काम करना है। किसमें काम करना है, MnO2 में काम करना है और हमें HCl में काम करना है, बाकी किसी से हमको कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देख पा रहे इसके एक मोल से इसका कितना मोल कर रहा है, 4 मोल, कितना कर रहा है 4 मोल। जब इसके एक मोल से इसका 4 मोल कर रहा है तो मोल वाले टर्म को हम लोग मास वाले टर्म में लेके जा सकते हैं ना, जल्दी से बोलो, जो मोल वाला टर्म है उसको हम लोग मास वाले टर्म में लेके जा सकते हैं, चलो अच्छी बात है। तो मोल में कितना बोलोगे, इसके एक मोल से इसका कितना मोल किया, 1 मोल से कितना मोल 4 मोल, 1 मोल से कितना 4 मोल। हमको मास में काम करना है, कहां काम करना है, मास में, करो मास में काम, 1 into molar mass of MnO2, 1 into molar mass of MnO2, मैग्नीज का molar mass कितना होगा, मैग्नीज का molar mass 55 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन 16 to 32, अब इधर आ जाओ, 4 into HCl का molar mass 36.5, HCl का molar mass 36.5, अब देखो, तो हम इसको solve करें, तो आप बोलोगे इसका 87 ग्राम आएगा और यहाँ पे आपको कितना आएगा 24, 26, 146। एक बार आप क्रॉस चेक करो कि आप लोगों का भी यही आ रहा ना, 87 और 146 आ रहा है, चलो ठीक है। तो जो स्टोकियोमेट्रिक था उसको हम लोग मास में लेके आ गए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, अब तो आपको है ना यूनिट्री मेथड है सॉल्व करने के लिए। अब देखो
इसके 87 ग्राम से इसका 146 ग्राम रिएक्ट कर सकता है, तो हम क्या लिखेंगे अब, 87 ग्राम ऑफ MnO2 ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड 146 ग्राम ऑफ HCl, कोई डाउट यहां तक, 86 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड 146 ग्राम ऑफ HCl, ये है ठीक है। वन से कितना होगा 146 ओवर कितना 87, बट गिवन इज 5, बट गिवन इज 5, देन 146 ओवर 87 इंटू कितना 5, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे आप लोग भी निकालो जल्दी से निकालो, 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 87, तो 8.39 ग्राम ऑफ HCl आया, जो HCl रिएक्ट कर रहा है वो कितना है 8.39 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा फ्रॉम 5 मोल ऑफ MnO2, 5 ग्राम ऑफ MnO2 फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ NO2। ये सब बच्चे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो चाहे आपको मोल से मोल में काम करने के लिए बोले या आपको मास से मास में काम करने बोले या आपको मोल से मास में काम करने बोले, तो आप लोग फ्रीक्वेंटली काम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस वाला डाटा को लिखो, देन हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा है ना मास से वॉल्यूम वाला डाटा देखते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, रुक जाओ एक इसी बेसिस पे ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग आएंगे वॉल्यूम वाले टर्म पे, देन हम लोग वॉल्यूम वाले टर्म पे आएंगे, लास्ट में हम सारे को मिक्स कर देंगे, लास्ट में हम मिक्स कर देंगे कि आप उस समय आपका अपना कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें, उस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपको नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। आज हम लोग अब इसी वाले मेथड में थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दें, मॉडरेट लेवल, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हम लाते हैं ठीक है, तो इसको नोट कर लियो ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, व्हाट वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कंप्लीटली 8.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। देखो क्वेश्चन आपको दो वे से फ्रेम किया गया है ठीक है, तो क्या बोला कि जिंक कितना रिक्वायर्ड है, जिंक कितना रिक्वायर्ड है जो कि इनफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि इनफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और वो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करता है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करता है कॉपर में। अब देखो बच्चे तो आपको यहां पे थोड़ा बहुत रिएक्शन का आइडिया चाहिए ठीक है, यहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत रिएक्शन का आइडिया चाहिए कि कैसे हो रहा रिएक्शन। देखो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा कॉपर प्लस H2, ये रिएक्शन आपको पता होगा कि हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को क्या किया रिड्यूस किया कहां पे कॉपर में, और जो H2 है दे कन्वर्टेड इनटू वाटर। और आगे जो पार्ट बोला है ना बच्चे, जो फर्स्ट लाइन है व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड, लिखा ना रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, जिंक क्या कर रहा है हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा जिंक मेटल है, जिंक क्या है मेटल है, और कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कब करता है व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड, एनी मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड, दैट इज जिंक प्लस HCl, कोई भी एसिड लेके आ जाओ डजंट मैटर, तो हम उतना अभी आप लोगों को रिएक्शंस करा रहे हैं। तो व्हेन जिंक रिएक्ट विथ HCl, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ HCl इट फॉर्म ZnCl2 अलोंग विथ हाइड्रोजन, इट फॉर्म ZnCl2 अलोंग विथ हाइड्रोजन, इट फॉर्म ZnCl2 अलोंग विथ हाइड्रोजन। आई होप यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, आई होप आपको यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन लिख लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रिएक्शन लिख लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस है आपका, फर्स्ट रिएक्शन कॉपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चलो बैलेंस है, बैलेंस क्या मतलब रिएक्शन है, जिंक बैलेंस है, HCl बैलेंस नहीं है, तो मैं यहां पे 2HCl लगा लिए, H2 बैलेंस हो गया HCl, दोनों रिएक्शन बैलेंस है, देखो तो दोनों रिएक्शन मेरा बैलेंस है। अब देखो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस करना है, तो
देखो इट मीन्स जो हाइड्रोजन आपका यहां पे आएगा बच्चे, वो हाइड्रोजन मेरा वहां से आया होगा, नहीं समझा ना? व्हाट वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन, इट मीन्स जो हाइड्रोजन यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन इतना इनफ है कि वो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर रहा है। इट मीन्स आप ये यहां से ये है ना कंक्लूड कर सकते हो कि जो हाइड्रोजन का मास यहां होगा वही हाइड्रोजन का मास वहां भी होगा। स्टेटमेंट पढ़ के आप इतना चीज है ना क्लियर कर सकते हो, ठीक है? इट मीन्स मैं जो फर्स्ट काम होगा यहां पे जो हाइड्रोजन का मास है वो कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन का यहां पे कितना मास है वो कैलकुलेट करना। यदि आप ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप इसको यहां पे प्लेस कर देना, जो यहां पे प्लेस होगा उसके हेल्प से हम लोग जिंक का मास निकाल लेंगे, उसके हेल्प से हम लोग जिंक का मास निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन करने के पहले आपको क्वेश्चन का एक ना ब्लूप्रिंट माइंड में तैयार होना चाहिए किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन लिख ले कुछ भी कर रहे हैं, टाइम भी खराब हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना आप एक है ना क्लियर कट ये पता कर लो कि क्वेश्चन में करना क्या है। स्टेटमेंट पढ़ो, क्लियर नहीं है दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो, ठीक है? अपने आप आपका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कॉपर ऑक्साइड कोएफिशिएंट कितना है 1, हाइड्रोजन कितना कोएफिशिएंट 1, दैट इज 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल का जो मेरे पास डाटा है इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका वन मोल इसके वन मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो मोल वाले टर्म को हम लोग कहां पे लेके आए, मास में। मोल वाले को कहां पे लेके आए, मास में। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना होगा 63.5 प्लस 16 दैट इज 79.5 ग्राम, किसका? कॉपर ऑक्साइड का, किसका? कॉपर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन का कितना ग्राम, 2 ग्राम, कितना ग्राम, 2 ग्राम। दैट इज जो मेरे पास डाटा था किसमें, मेरे पास जो डाटा था किसमें, मास में, सॉरी मोल में, उसको हम कहां लेके आए, मास में। अब बहुत इजी है, अब क्या लिखो दो तो 79.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है कितने से, 2 ग्राम से, कितने से, 2 ग्राम से। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 2 ओवर 79.5, कोई डाउट यहां तक? गिवन कितना है मेरे पास, गिवन कितना है 8.5, कितना गिवन है, दैट इज 8.5 कितना करेगा, 2 ओवर 79.5 इंटू 8। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक है आपको? चलो प्रॉब्लम 8.5 है। तो आप लोग यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का मास निकालो कि यहां पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा। मैं भी कर रहा हूं आप भी करो, यहां पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा, करो कैलकुलेट। हाइड्रोजन का मास यहां पे कितना है, दैट इज 2 इंटू 8.5 दैट इज 17 ही होगा, 17 डिवाइडेड बाय 79.5 0.213 8 दैट 0.214 ये कितना है 0.214 ग्राम। जल्दी बोलो यहां तक डाउट है। कॉपर ऑक्साइड का मास गिवन था, हम लोग पहले मोल को देखे, उस वाले मोल को हम लोग मास में लेके आए, उस वाले मोल को हम लोग मास में लेके आए, देन उस मास के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन कितना यहां पे रिएक्ट किया होगा वो हम कैलकुलेट कर लिए, वो हम क्या किए, कैलकुलेट। बच्चे जो पहले बात हम बोले थे कि जो हाइड्रोजन यहां पे आपको आया होगा वो इनडायरेक्टली इस हाइड्रोजन का मास होगा, जो हाइड्रोजन का मास यहां पे आया है वो हाइड्रोजन इनडायरेक्टली आपका इस वाले हाइड्रोजन के बराबर होगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट को ऑलरेडी दो तीन बार पढ़ चुके पता है आपको। दैट इज यहां जो हाइड्रोजन है वो कितना है 0.214 ग्राम, यहां जो हाइड्रोजन है वो कितना है 0.214 ग्राम, कितना है 0.214 ग्राम, ठीक है? यहां तक डाउट है आपको, यहां तक किसी पॉइंट में कोई डाउट है, यहां तक किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, नहीं है ना डाउट ही है? चलो इट मीन्स अब हमको जिंक का मास निकालना है, क्या करना है, जिंक का मास निकालना है। तो देखो तो इसका भी कोएफिशिएंट कितना बच्चे, यहां पे कितना कोएफिशिएंट है 1, यहां पे कितना कोएफिशिएंट है 1, जब दोनों का कोएफिशिएंट 1 ही है, 1 है ना, दैट इज इसका एक मोल, इसका एक मोल फॉर्म करेगा, इसका एक मोल दैट इज 63.5 ग्राम,
गलती है, जिंक का होता है 65, जिंक कितना होता है 65, और हाइड्रोजन का कितना 2 ग्राम, कितना 2 ग्राम, ये तो हमको आया था निकल करके, तो क्या लिखोगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस व्हेन 65 ग्राम ऑफ जिंक गेट्स रिएक्टेड। देखो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है जब इसका 1 ग्राम, सॉरी 65 ग्राम है, कितना है 65 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस व्हेन 65.2 ग्राम ऑफ जिंक इज देयर, देन अकॉर्डिंग टू जो हमको आया है दैट इज 0.214 ग्राम, तो कितना होगा 65/2 × 0.214, जल्दी से करो कैलकुलेट 65 × 0.214 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करके मेरे पास आया 6.955, तो जो 6.955 ग्राम किसका है जिंक, जो जिंक रिक्वायर्ड था। तो बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी था, बट उसको है ना एक प्रॉपर वे में है ना अरेंज करना एक बड़ी बात थी। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि जिंक कितना रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कंप्लीटली 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, इट मींस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस करना है, उस समय जो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था वही हाइड्रोजन यहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड हम क्या किए हाइड्रोजन का मास निकाल लिए, जो हाइड्रोजन का मास आया उसको हम यहां लेके आए, देन हम क्या बोले इसका वन मोल फॉर्म करेगा, दैट इज इसका 65 ग्राम इसका 2 ग्राम फॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देन मेरे पास कितना था 0.214 ग्राम, मेरे पास कितना है 6.95 ग्राम, तो ये भी मास में काम ही था, और हम जो कॉन्सेप्ट यूज किए वो कॉन्सेप्ट क्या था स्टोइकोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट था, वो क्या था स्टोइकोमेट्रिक का कोएफिशिएंट था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई पॉइंट में डाउट है जल्दी से बोलो, ठीक है डाउट नहीं है जल्दी से नोट करो इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यहां पे ना मास से वॉल्यूम में काम करेंगे। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम में बच्चे जब भी हम लोग काम करेंगे ना तो मोस्टली हमको कंडीशन एसटीपी दिया रहेगा, एसटीपी या एनटीपी जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि है ना किसी भी गैस का वन मोल, एनी गैस हैविंग वन मोल एट एसटीपी एट एसटीपी कंटेन 22.4 लीटर ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि किसी भी गैस का एक मोल एसटीपी या एनटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, इस वाले कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा, इसको आप देखना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, अमाउंट बोला है तो दैट इज या तो आप मोल निकालो या तो आप मास निकालो, दोनों का मीनिंग बराबर ही है। Needed to supply sufficient oxygen for the burning of 112 liter of CO at NTP. क्वेश्चन देखो क्या बोला, Calculate the amount of KClO3 needed to supply sufficient oxygen for the burning of 112 liter of CO at NTP. देखो क्वेश्चन फिर से आपको थोड़ा सा लॉजिक प्रीवियस वाले क्वेश्चंस का ही है, क्योंकि देखो बच्चे यहां पे ना आपको क्या बोला कि KClO3 का ब्रेकिंग है, यहां पे क्या है KClO3 का क्या ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग करने के बाद जो ऑक्सीजन आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंबसन के लिए आएगा, किसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबसन के लिए आना है, तो क्या करेंगे तो KClO3 बोला ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर द बर्निंग ऑफ 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके हीटिंग से सपोज ना निकलेगा कुछ ऑक्सीजन, हम आ रहे रिएक्शन वाले पार्ट पे,
बट इधर आओ, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन आएगा वो सफिशियंट है कार्बन CO फॉर द बर्निंग ऑफ 112 लीटर ऑफ CO, दैट इज CO प्लस O2 क्या बनेगा CO2। देखो तो ये वाला रिएक्शन आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबसन है तो कहां पे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कहां पे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस है, देखो तो अब बैलेंस है। चलो अब देखो बच्चे कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है एट एसटीपी एट एनटीपी, तो जो वॉल्यूम का डाटा दिया हुआ ना उस वॉल्यूम के डाटा से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, उस वॉल्यूम के डाटा से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, दैट इज हम ये निकाल सकते हैं मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, वॉल्यूम 112 लीटर है, 112 लीटर है 22.4, तो 10 ऊपर गया, दैट इज 10 ऊपर गया 5 मोल, देखो तो 5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो तो जो वॉल्यूम गिवन था उस वॉल्यूम के हेल्प से हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकाल लिए। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकाल लियो ना तो आप ये बोलोगे कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। देखो तो यहां कितना कोएफिशिएंट है 2, यहां कितना कोएफिशिएंट है 1, कितना है 1, दैट इज 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, पता है ना रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 2 मोल ऑफ, देखो तो 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ सॉरी 1 मोल ऑफ O2, देखो तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट करता है किससे 1 मोल ऑफ O2, देन 1 मोल कितने साथ करेगा 1/2 मोल के साथ, तो 5 मोल कितने साथ करेगा 1/2 इनटू कितना 5, दैट इज 2.5 मोल। देखो तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे जो है ना ऑक्सीजन रिएक्ट किया है वो कितना मोल आ गया 2.5 मोल आया, कितना मोल आया 2.5 मोल। कहां तक प्रॉब्लम है देखो, यहां तक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है ना आपको है ना प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था, बट यहां पे मास के जगह पे आपको वॉल्यूम दे दिया था, ये टर्म आया समझ में। अब आ जाओ फर्स्ट लेवल क्वेश्चन का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशियंट ऑक्सीजन, इट मींस इसका जब KClO3 जब ब्रेक करता है बनता है KCl+O2, क्या बनता है KCl+O2, तो जो ऑक्सीजन वहां पे आया है वही ऑक्सीजन यहां भी होगा, और जब वही ऑक्सीजन यहां भी होगा तो इस ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं, इस ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग KClO3 का मास कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो अब क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करो, थ्री है क्या करोगे, यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ और यहां पे 3 लगाओ, देखो बैलेंस है, 2K बैलेंस है, 2Cl बैलेंस है, 6 और 6 बैलेंस है, बैलेंस है ठीक है। तो इसके 2 मोल से इसका 3 मोल फॉर्म हो रहा है, यदि हम मोल वाला डाटा देखें इसका 2 मोल इसके 3 मोल को फॉर्म कर रहा है, देखो तो इसके 3 मोल को फॉर्म कर रहा है ना, तो मोल वाले डाटा को मास में लेके जाना है, क्यों लेके जाए, अरे मोल हमको आया हुआ है, जब हमको ऑक्सीजन का मोल आया हुआ है तो हम KClO3 का मोल निकाल लेते हैं, जब मेरे पास KClO3 का मोल आ जाएगा उस मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, जो मेरे पास मोल आएगा उसको हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। देखो दैट इज 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म व्हेन 2 मोल ऑफ KClO3 इज प्रेजेंट, देखो तो जब इसका 3 मोल फॉर्म हो रहा है कब, जब KClO3 का 2 मोल है, कितना है 2 मोल है, चलो अच्छी बात है, इसका 1 मोल कब होगा जब 2/3 मोल होगा, मेरे पास कितना मोल आया है 2/2.5, दैट इज 2/3 इनटू कितना 2.5, दैट इज 5/3 मोल, 5/3 मोल किसका KClO3 का, जब मेरे पास KClO3 का मोल आ चुका है तो हम मास निकाले सकते हैं ना, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास,
KClO3 का मोलर मास। देखो बच्चे आप लोग या दिमाग ये मत लगाना कि यहाँ पे 2 है तो जो उसका मोलर मास आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नॉनसेंस काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता है? ठीक है, KClO3 K कितना 39, क्लोरीन कितना 35.5, ऑक्सीजन कितना 48, ऐड करो मल्टीप्लाई करो आंसर लाओ कितना आंसर आएगा देखते हैं। 39.5 पर इसको करो 39 प्लस 35.5 प्लस 48 122.5 को मल्टीप्लाई करो किससे 5 से, जो आएगा उसको डिवाइड करो किससे 3 से, तो जो मेरा आंसर आया है वो आया है 210.214.16। तो जो मास आया है 204.06 ये मास किसका है KClO3 का मास है। देखो तो मेरे पास वॉल्यूम का डाटा था, उस वॉल्यूम वाले डाटा से हम लोग क्या किए KClO3 का क्या निकाल लिए मास निकाल लिए, क्या निकाल लिए मास निकाल लिए। कोई डाउट है किसी को यहाँ इस पॉइंट तक डाउट है बच्चे? तो लास्ट दो क्वेश्चन के ना क्वेश्चन बस कुछ नहीं है, बस वहां पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। यदि आप वहां पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। बस जो रिएक्शन है रिएक्शन लिखना एक बहुत बड़ी बात है, तो आई थिंक आप लोगों के लेवल में रिएक्शंस लिखे हुए ही आएंगे। बट जब आप लोग ना पढ़ लोगे जैसे KClO3 का ब्रेकिंग, जब हम ना ऐसे आई थिंक कुछ अच्छे बोलते कि ना वो लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर पढ़े हुए, यदि आप लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर पढ़े होगे ना तो KClO3 एक सॉल्ट है जिसका कि आप लोग ब्रेकिंग जानते हो, जिसका कि आप लोग ब्रेकिंग जानते होगे। जहां तक मेरा सवाल है आप लोग को ब्रेकिंग आता होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ KClO3 दैट इज KCl+O2 और वहां पे क्या था कार्बन मोनोऑक्साइड का कंप्लीट कंबसन है, दैट इज वो कहां जाएगा CO2 में, कहां पे जाएगा CO2 में। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक और हम देखते हैं क्वेश्चन वॉल्यूम वाला, एक क्वेश्चन और देखेंगे वॉल्यूम वाला। ठीक है देखते हैं, क्वेश्चन क्या है तुम लिख सकते हो तुम लोग, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनटीपी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनटीपी, एट एनटीपी कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनटीपी, एट एनटीपी कंटेनिंग 21% of oxygen by volume, by volume। जो एयर है वो एनटीपी पे है और एनटीपी पे वो 21% ऑक्सीजन रख रहा है by volume, is required to completely burn, is required to completely burn 1000 gram sulfur, required to completely burn 1000 gram sulfur containing 4% incombustible, containing 4% incombustible मतलब जिसका कि combustion नहीं होता है, containing 4% incombustible, containing 4% containing 4% incombustible matter, containing 4% incombustible matter 4% incombustible matter। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर, क्वेश्चन में क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, परसेंटेज वगैरह देखकर थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया है,
तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है। इट मींस देखो हम पहले क्या बोले, एक ब्लूप्रिंट तैयार करो कि क्वेश्चन को किस वे से हमको आगे चलना है। यदि हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लें, यदि हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लें तो हम एयर का निकाल सकते वॉल्यूम। देखो तो यदि हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल ले तो हम लोग एयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चे, क्योंकि यदि 100 ml हम एयर ले उसमें से 21 पार्ट किसका है, तो उसमें से 21 पार्ट किसका है बच्चे, ऑक्सीजन का है। तो वहां से हम लोग एयर का निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनेगा SO2, क्या बनेगा SO2। सल्फर का मेरे पास जो मास है, सल्फर का मास है 1000 ग्राम, कितना है 1000 ग्राम। बट बोला यह है कि उसमें से 4% इनकम्बसिबल मैटर है, उसमें से क्या है 4% इनकम्बसिबल मैटर है। इट मींस सारा का सारा सल्फर बर्न नहीं करेगा, सारा का सारा सल्फर क्या होगा, बर्न नहीं करेगा। बर्न इसलिए नहीं करेगा बच्चे क्योंकि हमको यह लिखा हुआ है कि उस 1000 ग्राम में, उस 1000 ग्राम में 4% इनकम्बसिबल है। 100 में से 4 ग्राम क्या करेगा, बर्न नहीं करेगा। यदि 100 में से 4 ग्राम बर्न नहीं करेगा तो 1000 में कितना करेगा, 40 ग्राम क्या करेगा, बर्न नहीं करेगा। यदि 40 ग्राम बर्न नहीं करेगा तो 960 ग्राम क्या करेगा, बर्न करेगा। इट मींस जो मेरे काम के लिए सल्फर है दे आर 960 ग्राम, दे आर 960 ग्राम। डॉक्टर अरे यार क्या बोले, 1000 ग्राम है इसमें से 4% इनकम्बसिबल है, दैट इज 100 में 4 ग्राम का बर्निंग नहीं होगा। यदि 100 में 4 का नहीं है, 1000 में कितने का होगा, 40 का। 1000 में 40 ग्राम बर्न नहीं करेगा, 1000 में 40 ग्राम बर्न नहीं करेगा। तो जो मेरे काम का सल्फर है दैट इज 960 ग्राम, जो मेरे काम का सल्फर है दैट इज 960 ग्राम। अब देखो, अब ये देख पा रहे हो आप कि जो सल्फर है उसका मेरे पास मास आ गया, सल्फर का क्या आ गया मेरे पास मास। अब बताओ हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, यस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर एट STP, चलो जो भी है। अब देखो अब क्या करोगे, देखो जब सल्फर का मेरे पास है ना, जब मेरे पास सल्फर का मास आ गया तो आप ऑक्सीजन का मोल निकाल सकते हो। देखो तो सल्फर के मास से ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हो, सॉरी ऑक्सीजन का मोल निकाल सकते हो। अरे यार सल्फर का मास दिया हुआ है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मोल निकल जाएगा। देखो देखो तो लिखेंगे मोल ऑफ सल्फर, मोल ऑफ सल्फर कितना, 960 बाय कितना 32, कितना होगा 3 3 2 6 3 9, तो कितना बार होगा 30। देखो तो 30 मोल किसका है, सल्फर का है। यदि सल्फर का 30 मोल है तो ऑक्सीजन का भी मोल कितना होगा, O2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना 30, कितना होगा 30। देख पा रहे हो, देखो तो मोल कितना होगा ऑक्सीजन का। अरे यार देखो ना, इसके एक मोल से इसका एक ही मोल कर रहा है ना, जब इसके एक मोल से एक मोल कर रहा है 30 मोल से कितना मोल करेगा, 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन करेगा। जब आपको ऑक्सीजन का मोल आ गया, ऑक्सीजन का मोल आ गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हो बच्चे। बताया था ना मोल इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम और कितना 22.4, जल्दी से बोलो डाउट है। दैट इज जो मेरे पास वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 30 × 22.4, करो मल्टीप्लाई 30 × 22.4, जल्दी से करो मल्टीप्लाई कितना आएगा 30 × 22.4 672 आया, कितना है 672 क्या होगा लीटर या ml, 672 बच्चे क्या होगा लीटर। यहां तक डाउट है बताओ, इस वाले पॉइंट तक आपको डाउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सल्फर का बर्निंग का हम लोग रिएक्शन लिखे, दैट इज S प्लस O2 SO2 फॉर्म किया। डाटा क्या था, 1000 ग्राम सल्फर है, 4% इनकम्बसिबल है, दैट इज मेरे पास 960 ग्राम सल्फर मेरे काम के लायक था, ठीक है। तो उस 960 ग्राम को हम लोग मोल में लेके आए, दैट इज 30 मोल। 30 मोल यदि सल्फर का होगा तो 30 मोल किसका होगा, ऑक्सीजन का भी होगा।
देन हम लोग ऑक्सीजन का क्या निकालिए, मास निकालिए, क्या निकालिए, सॉरी वॉल्यूम निकालिए, क्या निकालिए, वॉल्यूम। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखो बात तो बराबर यार, जब हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लिए तो एयर का वॉल्यूम क्यों निकाल सकते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लिए तो हम लोग एयर का वॉल्यूम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बता ना। देखो 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, 21 लीटर या ml, जो करना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 21 लीटर ऑक्सीजन कब है, जब 100 लीटर कौन है, एयर है, उस कंप्लीट एयर में जे क्या बोलोगे, जितना मेरे पास एयर है उसमें से 20% किसका पार्ट है, ऑक्सीजन का। इट मींस 21 लीटर कब है, जब 100 लीटर कौन होगा, एयर कौन होगा, एयर, तो 1 में कब होगा 100 में कितना 21, मेरे पास कितना है 672, दैट इज 100 ओवर 21 इनटू 672, कितना 672। तो यहां से आप लोग करो कैलकुलेट, 672 डिवाइडेड बाय 21, तो जो मेरे पास 32, मेरे पास जो ऑक्सीजन आया दे आर 3200 लीटर, कितना है 3200, 3200 लीटर कौन होगा, ये कौन सा होगा, किसका एयर होगा, ये आपको वॉल्यूम ऑफ एयर, ये आपको क्या वॉल्यूम ऑफ एयर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट यदि कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, यदि आप रिप्रेजेंट करना सीख गए, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से, इसको नोट करो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो वॉल्यूम से वॉल्यूम पे, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, मास और वॉल्यूम का रिलेशन था, अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको वॉल्यूम से वॉल्यूम में काम करना है, ठीक है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम है। चलो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड टू CO2। फिर से रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे पास है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कन्वर्ट करना है कहां पे, CO2 में, कहां कन्वर्ट करना है, CO2 में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करना है CO2 में, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट करना है CO2 में। देखो तो सिंपल सा है, रिएक्शन बैलेंस बैलेंस नहीं है, तो यहां पे 2 लगाओ तो आप देखो कि रिएक्शन बैलेंस हुआ है, हाँ अब बैलेंस है, दैट इज इसका 1 मोल, इसका सॉरी बोलोगे ना, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट किया और 2 मोल ऑफ CO2 फॉर्म किया। देखो तो अकॉर्डिंग टू कोफिशियंट हम क्या बोले, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ CO2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2, टू फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2। अब देखो, अब हम ये बोल सकते हैं ना, मोल को हम लोग वॉल्यूम में लेके जाएंगे, मोल को हम लोग वॉल्यूम में लेके जाएंगे, क्योंकि हमको पता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम और कितना 22.4, मोल इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 22.4, बोल डाउट है यहां तक, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 22.4, प्रॉब्लम है। अब देखो, अब क्या करें, अब देखो दैट इज यहां पे कितना 44.8 लीटर बोल सकते हो ना, 44.8 लीटर 22.4 लीटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इसका भी 44.8 लीटर फॉर्म करेगा, यहां तक डाउट है बच्चे। जो मेरे पास मोल का डाटा था उसे हम लोग कहां तक लेके आ गए, वॉल्यूम के तक लेके आ गए। देखो पीछे हम सेम काम मास के लिए किए थे, यहां पे हम सेम काम किसके लिए कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए। इट मींस द मोल रेशियो बिकम्स वॉल्यूम रेशियो, मोल रेशियो बिकम्स वॉल्यूम रेशियो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन,
रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि 44.8 लीटर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट विथ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. डाउट है बोलो. 44.8 लीटर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट विथ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. देयरफॉर 1 कितने के साथ करेगा 22.4 ओवर कितना 44.8. बट द गिवन वॉल्यूम इज 5.2. बट द गिवन वॉल्यूम इज 5.2 दैट इज 22.4 ओवर 44.8 इनटू कितना इनटू 5.2 इनटू कितना 5.2. सॉल्व करो. 2 टाइम्स कट गया. दैट इज जो आंसर होगा 5.2 बाय कितना 2. इतना लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था. जो काम आप मास के लिए कर रहे थे वही काम हम क्या किए वॉल्यूम के लिए किए. दैट इज इसका 2 पार्ट इसके 1 पार्ट से किया. दैट इज 2 मोल 1 मोल के साथ किया. तो दिस मच लीटर के साथ किया. तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रोसीड करवा लिए. इसके अकॉर्डिंग हम क्या किया इसको प्रोसीड करवा लिए. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो. यदि प्रॉब्लम नहीं है इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो. पहले आप लोग इसको नोट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन में बस हम आपको हिंट देंगे. क्वेश्चन सॉल्व आपको खुद ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बस हिंट रहेगा देन आपको सॉल्व खुद से करना. ठीक है देखो. What volume of oxygen at STP required for the complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene? Acetylene, we already know. What is the formula of acetylene? C2H2 बच्चे हम लोग गैलोसिया क्लॉ में कर चुके हैं. C2H2 is the volume, sorry, is the formula of acetylene. बस हम इक्वेशन लिखेंगे बाकी सॉल्विंग आपको खुद करना है. C2H2 का कंबसन कराना है फिर से क्या फॉर्म होगा CO2 और H2O. कोई प्रॉब्लम है? Any hydrocarbon on combustion forms carbon dioxide and H2O. Carbon dioxide and H2O. Okay. यहाँ तक problem? चलो balancing करो. Balancing यहाँ पे क्या लगाओगे? Two. यहाँ पे क्या लगाएं? Two hydrogen two balance है. Oxygen two चार एक पांच. यहाँ पे आप 2 लगाओ यहाँ पे 5 लगाओ यहाँ पे 4 लगाओ और यहाँ पे 2 लगाओ. अब चेक करो कार्बन बैलेंस है. हाइड्रोजन कितना है 4 बैलेंस है. ऑक्सीजन कितना है 10 8 और 2 कितना 10 बैलेंस है. अब देख लो इसके 2 मोल से इसका कितना मोल 5 मोल. इसके 2 मोल से कितना मोल 5 मोल. जब इसके 2 मोल से इसका 5 मोल किया तो आप निकाल लेना इसके 2 मोल दैट इज 44.8 से कितना कटेगा 5 इंटू कितना 22.4 लीटर. तो आप लीटर में आपको आइडिया है देन आपको किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर क्यू. ऑलरेडी नोट दैट सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू मिलीलीटर. तो आपकी इसके हेल्प से आप लोग क्या करना ऑक्सीजन का भी डाटा निकाल लेना. एंड हमको लास्ट पार्ट क्या पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 ऑल्सो गेट्स फॉर्म मतलब CO2 कितना फॉर्म हुआ है आपको ये भी निकालना है. ठीक है ये आपको स्टोइकोमेट्रिक का एलिमेंट्री आइडिया था बच्चे. दैट इज मोल टू मोल हम काम कैसे करते हैं मास से मास कैसे करते हैं मोल टू मास कैसे करते हैं मास से वॉल्यूम कैसे करते हैं एंड वॉल्यूम से वॉल्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा एक कुछ टर्म कराएंगे दैट इज परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है एंड परसेंटेज यील्ड क्या होता है. इन सब डाटा को करते हुए हम लोग इसके है ना अब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे देन आपका आई होप ये चैप्टर सॉरी एक लिमिटिंग रीजन का भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको करते हुए हम चैप्टर को खत्म करेंगे. ठीक है तो आई होप नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक आपका ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. ठीक है तो आप लोग इस जो अभी देखो अभी असाइनमेंट आई होप नहीं मिलेगा आपको असाइनमेंट आपका है ना आपका असाइनमेंट आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर आपको इस वाले पार्ट का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा. ओके थैंक यू.